आवाम सब जानती है। ये डायलॉग सुन के एक ही शख्स हमारे जहन में आता है, आशी खान। आशी खान जिन्होंने बिग बॉस 11 में अपने जलवों से फैंस का दिल जीता। हाल ही में वे अपना जन्मदिन मनाती हुई नजर आई। जी हाँ, उनका था जन्मदिन और इस मौके पर उनके करीबी दोस्त, परिवार के सदस्य और दूर से दोस्त भी उन्हें विश करने के लिए पहुंचे। आशी खान को खास तौर पर दूर दिल्ली से विश करने पहुंची ढिंचक पूजा। अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है मुझे। और इतने सारे फैंस, इतना ज्यादा चीजें मेरे घर पर भेजे जा रहे हैं, तो वो देख कर और मजा आता है। चाहे गिफ्ट छोटा सा हो या फिर बड़ा हो, अच्छा लगता है देखकर। तो मेरे फैन हैं बहुत बड़े, वो दिल्ली के हैं और उन्होंने जब बिग बॉस देखा था वो मतलब ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि आशी खान को बर्थडे पे कुछ गिफ्ट करना है। नहीं यार नहीं, हाँ वीकेंड का बार ज़रूर देखते हैं सलमान साहब की वजह से, बाकी और कुछ नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। बट सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत नाम सुना है, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं और सबका यही प्रेडिक्शन है कि वो जीतेंगे। ढिंचक हमेशा मेरे लिए स्पेशल रही और मेरे हर पर्सनल फंक्शन में वो आने की हमेशा कोशिश करती है। तो इस साल मैं मुंबई में थी, पिछले साल मैं आ नहीं पाई, कोशिश की थी मैंने, लेकिन इस साल तो मैंने कहा तो मैं ज़रूर आऊँगी, जहाँ पे वो मुझे बता देना मैं आ जाऊँगी ज़रूर। और इनके साथ खुशी बांटना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम बहुत कनेक्शन है हमारे अंदर कुछ हमारे साथ। ओके, इनका जो नेचर है वो बहुत रियल है, एटलीस्ट बाकी लोगों की तरह फेक नहीं है, जो कि मुझे फेक लोग पसंद नहीं है। तो इनका जो रियल नेचर है वही मुझे पसंद में आया था। और खुल के हंसती हैं, ठीक है, जो होता है बोल देती हैं सामने। थैंक यू बेबी, ठीक है, और वो सही है। फिल्म बॉडी में नजर आने वाली है शोभिता। इस मौके पर वे अपने किरदार के बारे में बातें करती हुई दिखाई दी। Actually, this is the first film, first project we worked on together. We shot for it in Mauritius last year. And I remember at that time telling him, hey, Imran, congrats, yeah, you're doing a Netflix show, so cool and all of that. And we didn't know we would end up doing that as well. Yeah, it was, he's lovely. Like, I mean, I grew up watching very different films of his, but in real, he's so like a chill guy who's really funny and well-prepared and really lovely company. अभिनेता सचिन जोशी और उर्वशी शर्मा ने मुंबई में अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कई सितारे नजर आए। इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर सूरज बर्तजा के बेटे दिवांश की रिसेप्शन हुई मुंबई में। इस मौके पर कई सितारे इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि कौन कौन बना इसका हिस्सा। मशहूर फैशन और बॉलीवुड फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी की मां का निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार मुंबई में देखने को मिला, जहां पर इस अंतिम सफर में डब्बू रत्नानी के परिवार और दोस्त शामिल थे।